मॉर्निंग चिल्ड्रेन, वेलकम यू ऑल टू लेसन सिक्स. आप सबको पार्ट छः में स्वागत है. कौन सा पिक्चर है बच्चों? दिस पिक्चर इज व्हाट? सेल फोन. व्हेन यू सपोज योर ग्रैंड पेरेंट्स और योर वेल विशर्स, फ्रेंड्स, कजन्स आर स्टेइंग एट फार प्लेसेस, यू वॉन्टेड टू स्पीक टू देम. हाउ यू स्पीक? कैसे बात करोगे? विद द हेल्प ऑफ सेल फोन, है ना? क्योंकि आज के जमाने में आप सबको पसंदीदा वाला ये है, इसके बिना हम कोई आजकल नहीं रह पा रहे, है ना? देखो आपके अभी ऑनलाइन क्लासेस किसके सहारे देख रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ सेल ओनली. सो आज के ज़माने में सेल इज़ प्लेइंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. पर पुराने ज़माने में तो सेल फोन्स नहीं थे, फोन्स नहीं थे, तो लोग संदेश किस प्रकार भेजा जाता था? विद हाउ देस टू सेंड द मैसेजेस? विद द हेल्प ऑफ ड्रम्स. तो ये बाजे की वजह से देस टू स्टैंड एट फार फार प्लेसेस, एनी इंपॉर्टेंट दे हैव टू सेंड द मैसेज लाइक समबडी इज अटैकिंग देम और एनी थिंग हाउ दे वॉन्ट एक्सप्रेस द व्यू विद द हेल्प ऑफ ड्रम बीट्स ओनली. देन उसके अलावा धुआं विद द हेल्प ऑफ स्मोक ऑल्सो देस टू सेंड मैसेजेस. फिर बाद में क्या किया बच्चों? उन्होंने घोड़े को उपयोग करने लगे. वे घोड़ों के जरिए अपने द हॉर्स राइडर्स विद द हेल्प देस टू राइड ऑन हॉर्सेस एंड देस टू गो far far places for giving the messages whatever it may be. so घोड़ों को उपयोग में लाते थे, तो ये आज जाना आना भी मुश्किल हो जाता था. तो उसके बाद क्या किया उन्होंने? फिर बच्चों घोड़ों के एक तरफ से घोड़ों की वजह से भी जाते थे, दूसरों ने पक्षियों में से वे किसका उपयोग किया था? कबूतर. विद द हेल्प ऑफ पिजियंस देस टू टाई द मैसेजेस एंड देस टू ट्रेन दम इन ए सच ए वे टू होम दे वॉन्ट देस टू गो. यू सी वी कैन सी इन पिक्चर्स आल्सो एग्जाम्पल बाहुबली में हम देखा जा सकते हैं, है ना बच्चों? तो इस तरह पुराने ज़माने में सेंड मैसेजेस वर सेंड विद द हेल्प ऑफ लाइट. तो आज का पाठ है दिल्ली से पत्र. ये दिल्ली से पत्र आपका छठा पाठ है, दिल्ली से पत्र. ये पत्र क्या होता है बच्चों? पत्र दो प्रकार के होते हैं. वो क्या है? वॉट इज टू टाइप्स ऑफ लेटर्स, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, है ना? तो फॉर्मल लेटर क्या होता है? टू होम विल राइट फॉर ऑफिशियल्स. और इनफॉर्मल विल राइट आइदर फॉर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, फ्रेंड्स, वॉट नॉट. तो हिंदी में से औपचारिक और अनौपचारिक. इसके पत्र का लिखने की जो विधा है वो कई तरह के होते हैं. आई मेड यू टू लर्न इन क्लास सेवेंथ, बट स्टिल एट द एंड आई विल मेक यू टू लर्न वंस अगेन. वी विल रिवाइज हाउ टू राइट दिस फॉर्मल लेटर एंड इनफॉर्मल लेटर. ओके बच्चों, तो ये पत्र क्या होता है बच्चों? जो हम वी कैन व्यू, तो ये जानवरों पक्षियों के बाद लोग पत्र, व्हेन टेक्नोलॉजी इंक्रीज डेवलप्ड सो दे स्टार्टेड राइटिंग विद द हेल्प ऑफ लेटर्स, है ना? तो पत्र ऐसा होता है, हमने अपने जो मनोभावना है, व्हाट ऑल थिंग्स वी वांटेड टू एक्सप्रेस, वी कैन एक्सप्रेस विद द हेल्प ऑफ पेन, इज़न्ट इट? तो पुराने जमाने में ये पिक्चर है पोस्ट कार्ड, इसको पोस्ट कार्ड कहते हैं बच्चों. यह पर एड्रेस पता लिखते हैं, टू होम वी हैव टू सेंड, पिन कोड, फिर हमको जो चाहते हैं उसके ऊपर हम लिख सकते हैं. और इसके जरा पोस्ट बॉक्स में डालकर वे पोस्टमैन हील टेक एंड हील डेली टिल मैनी आर स्टिल फॉलोइंग द लेटर्स, इज़न्ट इट? दूर दूर जो हमारे सैनिक हैं वे सभी पत्र के लिए बहुत बहुत इंतजार करते हैं. इट विल बी लेट बट स्टिल टेक टाइम्स बट स्टिल मैनी आर देयर. एंड दिस इज़ अनदर टाइप ऑफ लेटर, इसको इनलैंड लेटर बोलते हैं. जो बच्चों दिस लेटर इट गोज विद इन इंडिया एनी वेयर, सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज इनलैंड लेटर. इसके ऊपर एड्रेस लिख सकते हैं. और हमको ये क्या करते हैं बच्चों, पिछले जो मैंने पोस्ट कार्ड किया वो हम देख पढ़ भी सकते हैं. पर इसको वाई? बिकॉज आफ्टर राइटिंग फ्रॉम फोर साइड वी कैन अप्लाई गम एंड वी कैन पेस्ट इट ऑफ इफ इट इज़ एनी पर्सनल मैटर, सो दैट नो बॉडी विल टेयर इट, है ना? तो इसके अंदर लिख सकते हैं. फिर इसके बाद ये क्या है बच्चों? लिफाफा बोलते हैं, एनवलप बोलते हैं. ज़्यादा मैटर उसको लिख सकते हैं. और इसको ऑफिशियल लेटर होते हैं उसको भी हम लिखकर इसके अंदर रखकर पोस्ट को हम सील कर सकते हैं और उसके स्टैंप लगाकर हम भेज सकते हैं. तो ये भी जहाँ भी जाता है हम भेज सकते हैं. तो इस प्रकार लोग इसको उपयोग करते थे. तो ये बच्चों देखिए, ये बालक है, ये इसका नाम है सनी. तो इस पार्ट में यही मुख्य भूमिका निभा रहा है, इसका नाम है सनी. तो ये क्या किया बच्चों? ये अपने दोस्तों और टीचर्स के साथ एक्सकर्शन गया. Isn't it tour? Even here, I think you'll be knowing that our senior 10th class students, they went to tour. Isn't it children? तो ये देखने ऐसे होता है, they'll be taking excursions. इसी तरह सनी भी अपने
दोस्तों और अध्यापकों के साथ दिल्ली देखने गया. तो दिल्ली, व्हाट इज़ दिल्ली चिल्ड्रेन? इट इज़ आर कैपिटल, इज़न्ट इट? हम भारत का राजधानी क्या है? नई दिल्ली, है ना. तो इसमें हमारी जो दिल्ली है, इतने देखने में ऐसे वो बहुत दूर है. इट इज़ सिचुएटेड कम्प्लीटली इन द नॉर्थ साइड. सो इसको जाने में भी वक्त लगता है और आने में भी वक्त लगता है. और यहाँ देखने के लिए इतने सुंदर, इतने क्योंकि दिल्ली का शासक मुगल शासकों ने फ्रॉम बाबर टू जहांगीर दे हैव रूल एंड दे हैव कंस्ट्रक्टेड वेरी वेरी ब्यूटिफुल मॉन्यूमेंट्स. तो ये दिल्ली, इट इज़ सिचुएटेड ऑन रिवर यमुना. यमुना नदी के तट पर दिल्ली, हमारी राजधानी जो है वो बसा है. इसको मुगल शासकों ने बाबर से लेकर औरंगजेब तक इसको शासन किया था. सो ऑलमोस्ट 7 जनरेशन्स ऑफ द मुगल्स दे रूल दिल्ली. और उन्होंने इतने सुंदर सुंदर मॉन्यूमेंट्स कंस्ट्रक्ट, किलाएँ, फोर्ट दे हैव कंस्ट्रक्टेड, इसके आज भी उतने ही मशहूर है. इसे देखने के लिए हमारे भारत की या नहीं विदेशों से भी आकर इसको देखते हैं. तो सनी इसको देखने में इतना उनको वे ही बिकेम सीइंग द ही वॉज वाई इनको टीवी में ही देखा है, वहाँ देखा है, नाउ ही सीन वाई लाइव. सो उनको देखकर इतने ही गो ही बिकेम वेरी ही गॉट सो हैप्पीनेस, ही वॉज सो एक्साइटेड. सो व्हाट ऑल थिंग्स ही रोट, ही रोट टू हिज फादर. तो ये पत्र किसको, उसने किसको लिखा? सनी ने अपने पिताजी को. उसने क्या क्या देखा है दिल्ली में? दिल्ली में देखे लाल किला है, कुतुब मीनार, आवर सुप्रीम कोर्ट इज देयर, आवर प्रेसिडेंट हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अलॉन्ग विद द मेनी मिनिस्टर्स एमपीज. वे कहाँ रहते हैं बच्चों? वे दिल्ली में, क्योंकि हमारी राजधानी है. जो हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वे लोग वहीं पर ही रहते हैं, है ना बच्चों? आपका समझ में आया? और इसके तला यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो देश विदेशों से एयरप्लेन्स विल लैंड हियर एंड दे टेक ऑफ फ्रॉम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है. हमारी दिल्ली जो है वो मेट्रोपॉलिटन सिटी है, तो है ना बच्चों? तो क्योंकि हमारी राजधानी माने कैसा रहना, इसके सड़कें इतने साफ होते हैं, इनके यहाँ पे इतने सुंदर सुंदर भवन है जो देखने के लायक हैं. तो इसीलिए सनी जो दिल्ली में उन्होंने क्या क्या देखा है उनको वर्णन करते हुए वे अपने पिताजी को पत्र लिखे हैं. तो समझ में बच्चा आया? तो ये यमुना नदी के तट पर ये सुंदर शहर जो दिल्ली है, जो मुगल शासकों ने शासन किया है, उन्होंने कई कई सुंदर सुंदर इमारतें बनवाए हैं, जो आज भी हम उसका ही हम प्रयोग करते हैं. जैसे देखिए लाल किला, रेड फोर्ट जो है, हमारे जो प्रधानमंत्री, जो राष्ट्रपति जी है, वो क्या करते हैं बच्चों? उसके ऊपर झंडा फहराते हैं हमारे 26 जनवरी को. देखिए ये चित्र सुंदर है, ये जैसा नाम है वैसा ही ये किला भी है. ये लाल पत्थरों से उसको बनवाया था शाहजहां जी ने, है ना, हमारे शाहजहां ने इसे. लाल किला तो लाल किला ही है, जैसे नाम है वैसे किला है, और यह लाल पत्थर से बना हुआ है और एक सुंदर और मजबूत किला है. तो बच्चों देखिए हमारे भारत का झंडा भी उसके ऊपर फहरा रहा है, और इसे हमारे 26 जनवरी को हमारे राष्ट्रपति जो है उसके ऊपर यहाँ पर झंडा फहराते हैं, और झंडा फहराने के बाद भाषण देते हैं. फिर क्या निकलता है बच्चों? What will take place? Parade, जहाँ पे हमारे भारतीय की संस्कृति, the traditions, culture, all will be taken place with this here. और यहाँ देखने, इसको देखने के लिए हमारे भारतीय नहीं विदेश भी आते हैं, क्योंकि इसी दिन इतना सुंदर परेड निकलता है जहाँ पे what all Indian, इसके अलावा हमारे जो सेना हैं, जल सेना, स्थल सेना, वायु, our army, all the three army, military, navy, army, they will show उनको कितने सुंदर सुंदर प्रदर्शन करते हैं. और यहाँ भी हवाई जहाज़ के जरिए फीट भी होता है इसे, जो बहुत ही देखने के लायक है. तो बच्चों देखिए जो शाहजहां इसे बनाया है, अभी हम इसको किस तरह से उपयोग करते किया जा रहा है ना बच्चों? तो देखने में इसको, वाह,
उसको यहाँ पर बहुत ही ऐसे ही नहीं है, या ये यहाँ पे सुंदर फिल्म के शूटिंग्स भी दिए किया जाता है, गाने भी किया जाता है, क्योंकि इसके आगे इतने इतने सुंदर बगीचा, क्योंकि मुगल साम्राट लोग वे बहुत ही सुंदर कला के प्रेमी थे, और यहाँ इसके आगे इतने इतने सुंदर बगीचे बनाए हैं, फाउंटेंस विल बी देयर ज्यूरिंग विंटर, दिस आर ओपन फॉर दिस गार्डन्स आर ओपन फॉर पब्लिक आल्सो। तो लाल किले का निर्माण पांचवें मुगल साम्राट शाहजहां ने 17वीं शताब्दी, देखिए 1639 के बीच से लेकर 1648 में करवाया था। शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से बदलकर शाहजहानाबाद बना ली थी, उसी शाहजहानाबाद जो पुरानी दिल्ली के किले के रूप में ये लाल किले का निर्माण करवाया गया। तो बच्चों हम देख सकते हैं इस शाहजहां ने इसका निर्माण 17वीं सेंचुरी में इसको किया था। अब ये कौन सा पिक्चर है बच्चों, देखिए ध्यान से देखकर हमें बताइए कौन सा पिक्चर है। मैं बता दूं, इसका नाम है कुतुब मीनार, ये हमारा इट इज़ द टॉलेस्ट मीनार। तो इसे देखें, यहाँ इसे दूर दूर से, यह इतना ही ऊंचाई पर है, इट इज़ ऑफ 280 फीट टॉल। तो इसको हम बहुत दूर से यह मीनार हमको दिखाई देता है, और इसके इतने सुंदर सुंदर दृश्य इसके सामने हैं। इसके जो बनाया है इसने वो ही वॉज द स्ली बिलोंग्स टू स्लेव डायनेस्टी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे बनाया था, और उसी के नाम के ऊपर ये मीनार बनाया था, और इसको वे बेचारे पूरे कर नहीं पाए थे, और इसके पूरे करने में उनके दामाद जो इतुतमिश थे उसे पूरा बनवाया था। तो बच्चों उसके ऊपर भी हम जा सकते हैं, इसको जाने के लिए स्टेप्स होते हैं, सीढ़ियाँ होते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ 379 स्टेप्स वी टू रीच द हायर टॉप ऑन टू रीच द पीक ऑफ दिस मीनार, एंड फ्रॉम दैट वी कैन सी ऑलमोस्ट दिल्ली। दिल्ली तो छोटी शहर नहीं है इतनी, क्योंकि हमारी राजधानी है वो इतनी बड़ी शहर है, उसको हम इसके ऊपर से पूरा शहर हम देख सकते हैं। तो बच्चों आपके समझ में आ गया, ये दूसरा देखनीय स्थान है वो क्या है बच्चों। तो पहले हम लाल किला के बारे में पढ़े, अब ये दूसरा क्या है बच्चों, ये कुतुब मीनार के बारे में हम जानकारी प्राप्त करें। देखिए ये इतने सुंदर है, इतने सुंदर इसके सामने देखिए, इतना सुंदर इसके भी सामने बहुत सुंदर बगीचे हैं, फाउंटेन्स आर देयर, दिस के मतलब विद वर्ड वी कैन नो फ्रॉम दिस चिल्ड्रेन दे वर वेरी गुड आर्ट वॉज देयर फॉर मोर एंड दे वर इंटरेस्ट इन इट, सो इन्हीं की दरे ये भी बनाया गया था। तो बच्चों समझ में आ गया ना अभी आप कुतुब मीनार के बारे में। देखिए कुतुब मीनार का नाम दिल्ली के सुल्तान सल्तनत कुतुबुद्दीन ऐबक ने नाम रखा गया, क्योंकि उन्होंने यह 1199 AD में इसका निर्माण शुरू किया था। उस समय कुतुबुद्दीन दिल्ली की सल्तनत के संस्थापक थे, बाद में उत्तराधिकारी और पोते इतुतमिश ने इसमें 3 मीनारों का कर निर्माण और करवाया था। तो ही वॉज बिलोंग्स टू स्लेव डायनेस्टी, सो ही कंस्ट्रक्टेड एज ए टोल्ड ही कुडंट कम्प्लीट एंड रिमेनिंग वॉज कम्प्लीटेड बाई इतुतमिश, सो उन्हीं के नाम के ऊपर ये कुतुब मीनार रखा गया था। तो बच्चों समझ में आ गया अभी कुतुब मीनार के बारे में। और इसके अलावा ये देखिए, ये दीवान एक खास है, ये आगरा में है बच्चों, ये इसको शाहजहां ने इसे व्हेन ही वाज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग 1935 दिस वाज कंस्ट्रक्टेड। ये यहाँ क्यों, यहाँ इसकी दीवारों पर पारसी लैंग्वेज में इसकी पंक्तियाँ लिखी है, जो ये दीवान एक खास, व्हाट इज मेंट बाय दैट चिल्ड्रेन, इट मीन्स दैट यदि संसार में पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो यहीं पर है, सो वेयर एवर इफ़ यू वॉन्ट ऑन दिस वेयर इज हेवन ऑन आवर अर्थ ही आर ओनली ए दीवान ए खास में, इट वॉज कंस्ट्रक्टेड फॉर ऑफिशियल्स, हाउ वी आर हैविंग कॉन्फ्रेंस हॉल, जहाँ भी फॉर डिस्कशिंग वॉट एवर गुड मैटर्स, हियर फॉर दिस पर्पज इट वॉज कंस्ट्रक्टेड, दिस वॉज कंस्ट्रक्टेड ओनली फॉर ऑफिशियल्स वेयर शाहजहां यूज टू हैव यूज टू कंडक्ट मीटिंग्स। तो बच्चों आज हमें तीनों बारे में, वो क्या है लाल किला, कुतुब मीनार और दीवान ए खास के बारे में पढ़े हैं। इन नेक्स्ट पार्ट टू विल रीड मोर अबाउट अनदर ब्यूटिफुल मॉन्यूमेंट्स। तो बच्चों धन्यवाद।